सोनू निगम ने एक देशभक्ति गीत को अपनी आवाज दी है। सोनू ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए एक देशभक्ति गीत को अपनी आवाज से सजाया है। यह गाना करीब 2.25 मिनट का है। गीत के बोल हैं, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। एक्टर ने तेलंगाना के एक गरीब मुस्लिम परिवार को ईद उल फितर के मौके पर घर गिफ्ट किया है। इस बात को खुद एक्टर ने फैंस को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए बताई। 52 साल के एक्टर ने महबूब नगर जिले के कोंदा रेड्डीपली गांव में रहने वाले छोटे मियां के परिवार को घर गिफ्ट किया है। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट को इस साल उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग नहीं मिली। जहां एक तरफा निर्माता ईद के दिन इसकी ज्यादा कमाई की आस लगाए हुए थे, वहीं ईद के दिन भी फिल्म ने केवल 19.9 करोड़ रुपए ही कमाए। अगर इस आंकड़े को भाईजान के पिछली 5 सालों में रिलीज हुई फिल्मों के आंकड़ों से तुलना की जाए तो ये काफी कम नजर आते हैं। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का को लेकर एकता कपूर ने कहा कि सीबीएफसी के साथ कोई समस्या नहीं है, मुझे समाज से समस्या है, जो कुछ मौकों पर एक ही मुद्दे पर अपने तरीके से बोलता है। अगर आप किसी लड़की से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की करीब 5 से 10 घटनाएं रोज होती हैं, जहां एक महिला होने के नाते उसे खुद को साबित करने के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कोर्ट से दूर रहकर भी सरीना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मंगलवार से ही सरीना की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसमें वो अपने बेबी बम्प के साथ न्यूड नजर आ रही हैं। सरीना ने ये फोटोशूट वैनिटी फेयर नाम की एक मैगजीन के लिए कराया है, जिसमें उन्होंने पूरे शरीर में सिर्फ एक कमर बंद पहन रखा है। सरीना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद ये फोटो शेयर किया है।